नमस्कार दोस्तों मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्विज मास्टर कागजाम पर उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे क्या हाल है आप सभी के कैसे हो आप सभी फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप सबके क्या हाल है जी हाँ गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू कैसे हो आप सभी फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट टॉप फिफ्टी क्वेश्चन की तो डेली की क्लास जो हुआ करेगी उसमें हम लोग डेली पचास क्वेश्चन किया करेंगे टोटल कितने डेली हम पचास क्वेश्चन टारगेट करेंगे और हाँ जैसे आपको बोला गया था कि सैटरडे को जैसे आपको बोला गया था सैटरडे को आपका क्या हुआ करेगा सैटरडे को आपका पूरा कंप्लीट एग्जाम के बेस पे एग्जाम के पैटर्न पे ही बेस्ड आपका जो है वो ए, ए, एक टेस्ट कराया जाएगा लाइव ठीक है वो कंप्लीट एग्जाम पर भी बेस होगा पूरा पूरा एग्जाम पर ही बेस्ड होगा सारी चीजें एग्जाम पैटर्न पे ही रहेंगी है ना पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आपको तो वो डेली होगा वो आपको याद रखना है वो कब होगा तो कल आपको शेड्यूल भी होगा हर सैटरडे को डेली तो नहीं होगा हर सैटरडे को जैसे बताया गया था वैसे हुआ करेगा जी हाँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विदाउट वेस्टिंग आ टाइम चलिए है। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है पहला सवाल आज का आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल देखो जीरो से नया बैच है तो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल जीरो से होंगे सारी क्लासेस बिल्कुल जीरो से होंगी नया बैच है मैंने आपको बताया था इसमें करंट अफेयर्स स्टैटिक सारे क्वेश्चंस रहेंगे तो बिल्कुल जीरो से सारी क्लासेस होंगी तो अब ध्यान से देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किस से किसे सम्मानित किया गया है एस प्रोग्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड है इससे सम्मानित किसको किया गया है शेख हसीना जी को किया गया है क्योंकि उनका जो सतत विकास लक्ष्यों में जो उनका योगदान रहा है उन्होंने जिस तरीके से काम किया है उसके लिए शेख हसीना जो कि आपके बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं आ, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है इससे इनको सम्मानित किया गया है यहाँ से ढाका यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी है मुद्रा है वो टका है तो ये भी आपको याद रखना है जयवर्धनेपुरा कोटे यहाँ की क्या है राजधानी है ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक के बाद एक जबरदस्त क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे और हम एग्जाम बेस्ड ही जितने होंगे वही करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार भारतीयों को दिया गया और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार है जो केवल भारतीयों को के दिया गया है भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं दिया गया भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं दिया गया है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर आप यहां पे क्या करेंगे तो यहां अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, ध्यान से संरक्षण मतलब या तो ये, ये याद रखना है ये सभी ये के, के लिए है ठीक है आगे अगर मैं बात करूं वाक स्वतंत्र व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता एवं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है धार्मिक स्वतंत्रता का सभी को है तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका वाक्य स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तो ये आपके लिए यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो स्वतंत्र स्व, है एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्र है वो केवल भारतीयों को दिया गया है विदेशियों को नहीं दिया गया है इसकी अगर हम करेक्ट आ, मतलब इसके अलावा और हम यहाँ पे बात करें इसका वर्डन अनुच्छेद आपको अनुच्छेद 19 में इसका आपको मिल जाएगा अनुच्छेद 19 में इसका जिक्र किया गया है किस में किया गया है अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 से 22 तक जो इतने भी अनुच्छेद हैं वो किससे संबंधित हैं तो वो आपके स्वतंत्रता से संबंधित है तो ये ये भी आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कह रहे हैं आपसे कि 2021 चेंज मेकर अवार्ड से किसे किसे मिला है 2021 चेंज मेकर अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है 2021 चेंज मेकर अवार्ड तो यहां पे अभी हम जस्ट शेख हसीना जी का करके आए थे इनको एसडीजी अवार्ड जो है वो दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड गोल्ड अवार्ड दिया गया है आ, गोल अवार्ड दिया गया है इसके अलावा आगे जो है आपका फेरोज फैजा बीथर तो यहां पर यह करेक्ट आंसर होगा ये कहां से है ये भी आपकी बांग्लादेश से ही है ये भी आपकी बांग्लादेश से ही है और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है तो चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है कौन सा चेंज मेकर अवार्ड इज दैट क्लियर हिंदी में भी है नीलम पांडे जी सभी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा इसमें नाम लिखा हुआ है बेटा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां पे फेरोज लिखना है ठीक है फेरोज फैजा और बीथर ठीक है बीथर तो ये इसमें ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें ज्यादा कुछ टफ नहीं है आप इजीली कर सकते हो ठीक है अगला देखो सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन इनको ये अवार्ड दिया गया चेंज मेकर अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए किसको दिया गया है तो वो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कौन स्थल के होने के होने कारण जैन सिद्ध क्षेत्र जो है वो माना जाता है अब लिखित में से कौन सा पाशवनाथ का संबंध होने के कारण इसको जैन धर्म से संबंधित माना जाता है अब ये किस कौन सा है क्यों माना जाता है उसकी भी वजह रही है तो यहां पे अगर हम बात करें तो संवेद शिखर इसका करेक्ट आंसर होगा संवेद शिखर पर क्या हुआ था संवेद शिखर पर चौरासी दिन तक चौरासी दिन आपके पार्श्वनाथ जी ने तपस्या की थी और उसके बाद में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसके बाद में इनको क्या हुआ था कैवल्य प्राप्त हुआ था जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है ठीक है कैवल्य का संबंध आपसे पूछा जा सकता है कि किस धर्म से है तो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये कहां कहा हुई थी चौरासी जब तपस्या की थी किसने पाशर्वनाथ जी ने जब तपस्या की थी सम्मेद शिखर पर वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जैन धर्म के ये पाशर्वनाथ जी की बात करें जो पाशर्वनाथ हैं ये जैन धर्म के तेईसवें तेईसवें तीर्थंकर थे टोटल तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं तो टोटल जैन धर्म में तो चौबीस तीर्थंकर हुए हैं ठीक है 24 तीर्थंकर हुए हैं जिनमें से 23 नंबर के कौन थे पासवनाथ थे और 24वें नंबर के महावीर स्वामी थे जो कि अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के अनुसार हम बात कर रहे हैं यहां तक क्लियर है यह आपको याद रखना है और अगर हम पासवनाथ का संबंध जो है छोटा नागपुर की पहाड़ी पारसनाथ की चोटी संवेद शिखर से है ये आपके कहां पर है तो ये छोटा नागपुर के पहाड़ी है ये आपको याद रखना है आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है अगला सवाल देखो देखो क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे वही आपको यहां पे दिए जाएंगे तो अब ध्यान से देखेंगे कल मैंने आपको क्रांतियां लिखाई थी कल मैंने आपको क्रांतियां कराई थी कि कौन सी क्रांति का संबंध किससे है आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है शायद मैंने आपको क्रांतियां करा चुका हूं मैं आपको मैंने आपको करवाई हैं तो किस क्रांति का संबंध किससे है ये आपसे पूछा जा रहा है बाकी मैंने बहुत सारी क्रांतियां आपको कराई हैं नहीं है आगे भी करा दूंगा जैसे गुलाबी क्रांति की बात करें तो गुलाबी क्रांति में आपका प्याज से संबंधित है और झींगा मछली से झींगा मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है भारत में होता है तो गुलाबी क्रांति यहाँ पे आपको बताई गई है अब गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है प्याज से है गोल क्रांति का संबंध किससे है गोल क्रांति का संबंध आलू से है गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से है अगर मैं नीली क्रांति की बात करूं तो नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध किससे है मत्स्य उत्पादन से है और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है तो यह आपके लिए इजी हो गया यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया क्लियर है हा हा शानदार एक बच्चा कह रहा है इलाइक्यू मिस नेहा बेटा कैसे पता कि तुम्हें वो मिस नेहा ही है या फिर मिस नेहल हुआ या फिर मिस और मिस्टर हुआ या फिर मिस्टर हुआ तो फिर क्या होगा तुम्हारा हाँ तो चुपचाप से पढ़ाई कर लो आप पढ़ने आए हो सिलेक्शन लेने के लिए आए हो ये सब ये सब क्लास में नौटंकियां ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है थीके? क्लास पे फोकस कर लो करियर बन जाएगा चलो नहीं कराया बेटा विरा, विराट में करवा दूंगा तो अभी आपको ये क्रांतियां इतनी याद रखनी है क्लियर है एक बार सभी लोग सेशन को यार लाइक करना है सभी को सेशन को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है इस सेशन को लाइक और शेयर करना है ठीक है आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स हम पचास क्वेश्चन करेंगे इस क्लास का इस क्लास में तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि हाल ही में 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से जो है वो किसे मिला है बताओ इसका आंसर हाल ही में 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो है वो किसे मिला है ये आपसे पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर अभी देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात ये हम शेख हसीना वाला कर चुके हैं ये हम ये वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और फेरोज फैजा भीतर ये हम कर चुके हैं ये दोनों बांग्लादेश के हैं अब आगे जो आपसे कह रहा है कौन सा ग्लोबल गोलकीपर uh, अवार्ड की बात की जा रही है अब इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड की बात करेगा तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे आपका ठीक है तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा आंसर क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर होगा इज दट क्लियर ध्यान से देखो अगला सवाल इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी हमारे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्विज मास्टर बाई एग्जाम्पोर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल क्लियर चलो आगे देखो सूची एक तथा सूची दो का मिलान करें एवं सही कूट का चयन करें राष्ट्रीय केंद्र और आपसे मुख्यालय अब ध्यान से अगर देखोगे इस क्लास को ध्यान से अगर आपका इस, इस क्लास में पूरा ध्यान होगा तो आप देखो एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन कर रहे हो लास्ट क्लास में भी हमने सेम किया था यह भी हम वही कर रहे हैं हमने क्रांतियां पढ़ी एक क्वेश्चन में एक क्रांति पढ़ी जा सकती थी हम चार करके आ गए हमने श्वेत क्रांति पढ़ ली हमने नीली क्रांति पढ़ ली हमने गुलाबी क्रांति पढ़ ली और हमने गोल क्रांति भी पढ़ी चार क्रांतियां पढ़ के आए किससे संबंधित है यह आपसे पूछा जाता है एग्जाम में ऐसे ही आपका अगला सवाल है अब इसका आंसर क्या होगा यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अब इसका करेक्ट आंसर बताओ फटाफट से ठीक उसी पैटर्न पे है तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र तो राष्ट्रीय ऊंट से आपको याद आना आ जाना चाहिए कि आपका यह किससे संबंधित होगा जी सीधी सी बात है यह संबंधित आपका होगा राजस्थान से क्योंकि ऊंट की बात की जा रही है कहां पे होगा तो बीकानेर आपका करेक्ट आंसर होगा अब यहां पे क्या कह रहा है आपसे अब ध्यान से देखो हां तो राष्ट्रीय मास अनुसंधान केंद्र तो मास का जो अनुसंधान केंद्र है वो हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर होगा मास के लिए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हैदराबाद ठीक है ध्यान से देखो आगे देखो आगे आपको याद रखना है कि अगर आपसे यहां पे पूछा जाए केला का तो केला के लिए तिरची हो जाएगा और लीची की बात करेगा तो लीची लीची के लिए मैंने आपको बताया है और नहीं बताया होगा तो एक बार सभी नोट डाउन कर लो कि लीची का शहर किसको कहा जाता है तो लीची का शहर मुजफ्फरपुर को कहा जाता है लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है तो लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है बिहार में लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और इसके अलावा जो है आपको यहां से लीची याद रखनी है लीची का शहर किसको कहा जाता है लीची का शहर मुजफ्फरपुर को कहा जाता है क्लियर है अगला सवाल देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे मांग प्रेरित स्फीति के कारक मांग प्रेरित स्फीति के कारक हैं कौन से हैं मांग प्रेरक स्फीति के कारक बताओ घाटे की वित्तीय व्यवस्था सरकारी व्यय में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि उपयुक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग सेशन को आप सभी लाइक like और शेयर करते रहेंगे जी हाँ बताओ फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर करें मांग प्रेरित की स्पीति के कारक की बात करें तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था मतलब जो फैक्टर ऑफ डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हो जाएगा घाटे की वित्तीय व्यवस्था यह आपका करेक्ट आंसर होगा डेफिसिट फाइनेंसिंग आपका हो जाएगा यहाँ पे सही सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाएगी बिल्कुल होगी जनसंख्या में वृद्धि होगी तो फिर इसके कारण

तो यहां पे क्या होगा इसका मतलब है कि 20 लोग लेने पहुंचे हैं तब इसकी डिमांड बढ़ी है तो इसके लिए इसके वजह से महंगाई बढ़ेगी आपकी इन्फ्लेशन होगा ये आपको याद रखना है अगला सवाल देखो यहां पे क्या कह रहा है ध्यान से सेशन को लाइक और शेयर करना है आप सभी ने चलो बताओ इसका आंसर क्वेश्चन नंबर नौ निम्नलिखित में से किसने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में एक विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे पार्टनरशिप किया गया है यहां पे जो आपका सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसने पार्टनरशिप किया है इसने पार्टनरशिप किया है किस कंपनी के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो जी इंटरटेनमेंट के साथ में किए हैं जी एंटरटेनमेंट के साथ किए क्लियर है चलो हाँ अगला सवाल मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आता यहां पे क्लास चल रही है यहां मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बैक टू बैक मैं दसवें नंबर पे आ गया हूं दस क्वेश्चन मैंने करा दिए दसवें नंबर पे पहुंच गया हूं लेकिन तुम्हारी कमेंट सेक्शन में बराबर बातें चल रही हैं यार कम से कम अपना ना ख्याल करो अपने उन मां बाप का ख्याल कर लो जो आपके सपने पूरे कर रहे हैं एक बार उनकी तरफ भी देखो कि बाप कैसे सुबह निकल जाता है शाम को आता है वो अपने लिए चीजें नहीं खरीदते उनके अपनी अपनी चीजें अपना मन मार के रह जाते हैं लेकिन आपके सपने पूरे करते हैं कभी सोचो उनके बारे में यार इस तरीके से पढ़ाई करोगे आप अरे अभी वैकेंसी नहीं है अभी मौका है ये मौका अगर हाथ से गया ना फिर रोने के अलावा कुछ नहीं होगा जिंदगी भर पछताओगे फिर याद आएंगे इस क्लास की बातें कि हां सही कहा करता था वो मास्टर था उसने सही बोला था कि अगर उस टाइम पढ़ लिया होता तो काश आज हम सही जगह होते यार कम से कम करियर पे फोकस कर लो ये दिन वापस नहीं आते फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत जब सब चला जाता है ना फिर कुछ नहीं होता फिर कुछ नहीं आता यार पढ़ लो टाइम है मौका है अगर ये वाला मौका हाथ से गया तो सोच लो क्या होने वाला है आपके साथ आपने सोचा नहीं होगा आपके साथ क्या होगा आपने एज्यूम नहीं किया होगा कि आपके साथ क्या होगा जिस टाइम पे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना वहां पे हजारों लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम आपको नहीं पता है हम लोग पढ़ाते हैं हमें पता है चुपचाप से फोकस करो रेगुलर क्लास करो और पे फोकस करो नोट एक कॉपी पेन लेके रखो साथ में मैंने पहले ही दिन बोला था कि बना लेना कॉपी मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के करने का उपाय अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसको नियंत्रित कैसे करोगे उसके लिए उपाय पूछा गया है आपसे उसके लिए उपाय पूछा गया है तो उत्पादन को बढ़ाना अगर मुद्रा स्फीति बढ़ रही है महंगाई बढ़ रही है तो क्या हम उत्पादन बढ़ा दें तो उससे बचा जा सकता है ये तो एक सॉल्यूशन है ये सही है एकदम कह रहा है कि दोषियों को सजा देना मतलब जो महंगाई बढ़ा रहा है उसको सजा दो अब महंगाई किसी एक सेक्टर में बढ़ रही है उसको सजा कैसे दोगे किसी ओ, क्या मतलब है उसके अधिकारों का हनन होगा यहां पे है ना दोषियों को सजा कहां से ढूंढोगे कौन सा दोषी ढूंढोगे आप कौन सा बंदा महंगाई बढ़ा रहा है ऐसे थोड़ा ही नहीं कर लेंगे कि नमन यादव महंगाई बढ़ा रहे हैं या फिर सोनी धामा महंगाई बढ़ा रहे हैं। विकास कुमार महंगाई बढ़ा रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है महंगाई बढ़ेगी तो वो किससे बढ़ेगी मतलब महंगाई कब बढ़ती है मैंने आपको बताया था कि अगर ये दस पेन है और बीस लोग लेने पहुंच गए इसकी कीमत दस रुपए थी इसकी कीमत दस रुपए थी एक ने बोला मैं बारह रुपए दूंगा एक ने बोला मैं पंद्रह रुपए दूंगा मतलब जो पेन दस रुपए का आ रहा था उसकी कीमत कितनी हो गई पंद्रह रुपए हो गई इसको महंगाई बोला जाता है ये महंगाई होती है तो महंगाई बढ़ना यानी कि अगर हम दस पेन की जगह बीस पेन बनाने लग जाए तो हमारी तो वही बात रहेगी कि हमारा प्रोडक्शन बराबर तो तो यहां पर आपको याद रखना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि महंगाई बढ़ाना डर के आतंक वातावरण उत्पन्न करने से महंगाई कम नहीं होगी ये भी गलत है ये भी गलत है और तुम ऐसे कोई सही नहीं मतलब अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों के कनपट्टी पर बंदूक रखो और बेटा घर से बाहर तुम निकले नहीं कि हम देंगे तो मार दिए जाओगे अगर घर से बाहर कुछ खरीदने चले तो भैया इकोनॉमी नहीं चलेगी इकोनॉमी खत्म ठीक है हाँ सेशन को लाइक और शेयर भी करना है आप सभी ने अगला देखो सवाल अगला क्वेश्चन देखो हाल ही में किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है हाल ही में किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है वीजा के साथ साझेदारी की है अब ऐसा किसने किया है क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किया गया है किसके किसने किया है तो करेक्ट आंसर यस बैंक हो जाएगा अगला देखो सवाल क्वेश्चन नंबर बारह क्वेश्चन नंबर बारह फटाफट से बताओ प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर एक किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाए बिना उसको बंदी बना के रखा जा सकता है कितने दिन तक रखा जा सकता है इसका करेक्ट आंसर बताओ तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन माह तक रखा जा सकता है अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जिक्र किसमें किया गया है तो इसका जिक्र अनुच्छेद जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद बाईस के खंड चार में इसका जिक्र किया गया है ठीक है खंड चार में इसका जिक्र किया गया है यह आपको याद रखना है उसमें उसमें एक प्रावधान किया गया है कि अगर कोई शांति भंग करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाए बिना ही उसको बंदी बनाकर रखा जा सकता है तीन माह तक यह आपको याद रखना है अगला सवाल देखो हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए वन कार्ड के साथ साझेदारी की है इसने भी साझेदारी की है अब किस बैंक के साथ की है यस बैंक का तो अभी जस्ट करके यही फेडरल बैंक होगा नहीं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अब इसमें देखो आ, हाँ सॉरी इसमें यह नहीं होगा ये नहीं होगा फेडरल बैंक करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलो अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर चौदह क्वेश्चन नंबर चौदह भारत के संविधान का भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है बताओ फटाफट हाँ विकास जी पीडीएफ इसका मिल जाएगा विकास जी आप एक काम कर लीजिएगा हमारी वीडियो मिल जाएंगे आपको ठीक है एग्जामपुर मेन चैनल पे भी हमारी क्लासेस चलती है तो वहां से भी आप, आप आपको वीडियो मिल जाएंगी वहां पे प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया है सब कुछ ठीक है चलो अगला देखो इसमें सब स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं ठीक है यार यहाँ पे क्या करना है यार लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो आप सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो आप बिल्कुल भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्विज मास्टर भाई एग्जामपुर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अगला सवाल देखो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पे अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद तेरा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा अनुच्छेद तेरह में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद तेरह दो के अनुसार बोला गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे क्या किया जा सके जिससे जो विधायी कार्यो को जो पुनर्वलोकन है उसकी शक्ति जो है मतलब अनुच्छेद तेरह में इसका वर्णन किया गया है और उसके अनुसार बोला गया है कि शक्ति प्रदान करता है और राज्य कोई भी ऐसा ऐसी कोई विधि ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग को प्रदत्त करे जो इस भाग को किसी भी तरीके से आपका क्षति पहुंचाए या इसके हक को छीने ऐसे कोई भी कानून नहीं बनाएगा ऐसा किस में बोला गया देखो अनुच्छेद तेरह में तो इसको क्या दिया गया है इसको अधिकार दिया गया है और वहीं तेरह दो की बात करेगा अनुच्छेद तेरह दो में तो अनुच्छेद तेरह में दो में यह भी बोल दिया गया है कि कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इसको आहित करे जो इसको इसको दिक्कत पहुंचाए ठीक है हाँ अजीत यादव जी ठीक है चलो अगला सवाल अगला क्वेश्चन देखो जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे जैन धर्म के प्रवर्तक महा भगवान महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे बताओ फटाफट हां इसका आंसर बताओ कल मैंने आपको बताया था इसका आंसर कल ही मैंने आपको बताया था जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर किस राज घराने में पैदा हुए थे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखो लिच्छवी शासक की जो लिच्छवी शासक चेतक था जो उनकी बहन थी महावीर स्वामी जी की महावीर स्वामी जी की मां उनकी बहन थी ठीक है लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी लेकिन इनका जो जन्म हुआ था उसका आंसर क्या हो जाएगा ये क्षत्रियम हुए थे क्षत्रिय क्षत्रिय राजवं घराने गर, में पैदा हुए थे क्लियर है क्षत्रिय राजवंशीय घराने में महावीर स्वामी ने महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग कब किया था किस उम्र में किया था तो ग्रह त्याग इन्होंने तीस साल की उम्र में किया था तीस साल की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग किया था ठीक है चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सोलह निवेशकों और व्यवसायों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम किसने लॉन्च किया बताओ फटाफट निवेशकों और व्यवसायों के लिए नेशनल विंडो सिस्टम जो है वो किसने लॉन्च किया किसके द्वारा लॉन्च किया गया <coughs> करेक्ट आंसर पीयूष गोयल हो जाएगा पीयूष गोयल जी के द्वारा इसमें करेंट अफेयर्स हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी इकोनॉमिक्स स्टैटिक सब क्वेश्चन है मतलब सारे क्वेश्चन ऐड किए गए साइंस आपके हर क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है सभी क्वेश्चंस का ध्यान देखा गया है हाँ चलो क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक जो प्रथम संस्थापक जो सॉरी जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी जी उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था महावीर स्वामी जी मैंने आपको बताया चौबीस तीर्थंकर थे चौबीस तीर्थंकर थे तीर्थंकर एवं अंतिम चौबीसवें एवं अंतिम तीर्थंकर थे ठीक है अंतिम तीर्थंकर थे ये जैन धर्म के चौबीसवें एवं अंतिम तीर्थंकर थे इन्होंने उपदेश अपना कहां दिया था ये आपसे पूछा जा रहा है ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था कहां पर दिया था सारनाथ में दिया था अब आपसे पूछा जाए इसका करेक्ट आंसर तो विपुलाचल पहाड़ी में विपुलाचल पहाड़ी में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था ये आपको याद रखना है कहां पर दिया था विपुलाचल पहाड़ी में दिया था राजगृह के पास ठीक है हाँ तो महावीर स्वामी को इन्होंने कितने वर्ष तक तप कठोर तपस्या की तो इन्होंने बारह वर्षों तक इन्होंने बारह वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और बारह वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद में इनको किसकी प्राप्ति हुई थी इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी कैवल्य इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बारह वर्षों की कठोर तपस्या और इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया था पहला उपदेश इन्होंने विपुला चलपाड़ी राजगृह के पास दिया था क्लियर है यह आपको याद रखना है और इन्होंने साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बारह वर्ष की तपस्या में साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ ज्ञान प्राप्त हुआ था उज्ज्वालिया नदी के किनारे उज्ज्वालिया नदी के किनारे ठीक है और के ग्राम के निकट यह आपको याद रखना है हां और इसके अलावा आपसे मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म से पूछा जाए कि बौद्ध धर्म जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और पांड पांच पंडितों को दिया था पांच पंडितों को ठीक है इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी इसलिए हम गया को क्या बोलते हैं गया को ज्ञान का शहर बोला जाता है गया को ज्ञान का शहर बोला जाता है क्वेश्चन नंबर अठारह कह रहा है दो बीस तारीख से छब्बीस सितंबर तक कि किस मंत्रालय द्वारा वनज्य सप्त मनाया जा रहा है किस मंत्रालय के द्वारा वनज्य सब, स, जो है सप्ताह मनाया जा रहा है बताओ हाँ लव यू ऑल मेरे अजीत बेटा शेर मैं सभी को प्यार करता हूं मेरे सारे बच्चों को मैं प्यार करता हूं बहुत ज्यादा है ना बहुत ज्यादा लव यू ऑल है ना आप सभी मेरे खजूर हो रोहित सर के खजूर हो आप सभी रोहित सर के खजूर हो याद रख लेना आज से आपको खजूर बोलूंगा मैं आप वर्दी पहन के भी आओगे ना मेरे सामने तब भी कहूंगी कहूंगा मैं और मेरे खजूर क्या हाल चाल है आपके जब आप वर्दी में आओगे तब भी कहूंगा और खजूर क्या हाल है ठीक है बताओ इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा यहां पे इसका करेक्ट आंसर बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो वाणिज्य मंत्रालय है वाणिज्य मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाणिज्य मंत्रालय ठीक है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया चलो अगला सवाल देखो अगला क्वेश्चन भारत में लॉ एस कौन सी चट्टानों से प्राप्त होती है भारत में जो लौह अयस्क है वो कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है ये आपसे पूछा गया है तो लौह अयस्क जो है वो कच्ची धातु लौह अयस्क के रूप में प्राप्त होता है अब ये कैसे कलर का होता है तो ये आपको याद रखना है कि ये लोहा काला या फिर कैसा होता है गैरुआ रंग का होता है अब कहां पर प्राप्त होता है तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि ये धारवाड़ की जलद चट्टानों से और आग्नेय चट्टानों से तो आंसर इसका सी हो जाएगा दोनों आपको याद रखना है ठीक है ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा चलो अगला सवाल देखो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बीस क्वेश्चन नंबर बीस क्या कह रहा है आपसे ध्यान से देखो कह रहा है करंट अफेयर्स का सवाल है कह रहा है शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा विकसित करने के लिए 12 सदस्य राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया और समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय ने किया है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा विकसित करने के लिए बारह सदस्यीय गठन अब आपसे बताओ इसका आंसर क्या होगा अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ फटाफट से हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो यहां सोचना सर हिंदी में ऑप्शन नहीं है अमित शाह हिंदी में लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप हिंदी में रमेश पोखरियाल निशंक निशंक भी लिख सकते हो रमेश पोखरियाल भी लिख सकते हो ठीक है आप इसके अलावा के कस्तूरी रंगन भी लिख सकते हो के कस्तूरी रंगन तो करेक्ट आंसर इसका के कस्तूरी रंगन हो जाएगा ठीक है तो ये आपको याद रखना है आगे देखो अगला सवाल यार सेशन को जब तक लाइक और शेयर नहीं करोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा जब तक लाइक और शेयर नहीं करोगे सेशन को बराबर लाइक करते रहना है बराबर शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ में भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने दिया भारत में जो आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा कैसे आपको पैसे बचाने हैं आर्थिक नियोजन करना है फर्स्ट फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन कैसे करना है आपको इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए जो रूपरेखा दी वो किसने दी आपसे पूछा है बताओ फटाफट से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो यहां पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें एम विश्वेश्वरैया करेक्ट आंसर होगा और ये आर्थिक नियोजन की रूपरेखा कब दी गई थी आपसे यह भी पूछा जा सकता है तो करेक्ट आंसर होगा उन्नीस में दी गई थी 1934 में दी गई थी अब ये आर्थिक रूपरेखा जो है वो किस के द्वारा दी गई थी तो एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा और इन्होंने एक बुक लिखी थी उसमें इसका वर्णन किया गया था उन्होंने अपनी एक पुस्तक में वर्णन किया था बुक का नाम याद कर लेना प्लान इकोनॉमी ऑफ द ऑफ इंडिया ठीक है उस बुक का नाम याद कर लेना प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया यह इस बुक का नाम आपको याद रखना है ये इस बुक का नाम आप सभी को याद रखना है अगला सवाल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से डॉग कंटेनर ट्रेन सेवा को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया बात वही आ जाती है यार ये तो हिंदी में आराम से लिख सकते हो ये तो हिंदी में नाम है आराम से लिख सकते हो सर्वानंद सोनोवाल ठीक है सर्वानंद सोनोवाल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा अगला सवाल अगला सवाल संविधान के कौन से भाग संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व तो और मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है अब संविधान के कौन से भाग में किया गया है यह आपसे पूछा है संविधान के कौन से भाग में किया गया है आपसे पूछा है तो संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो संविधान के अगर हम मूल नीति निदेशक तत्वों की बात करें सॉरी नीति निदेशक तत्वों की बात करें और मूल कर्तव्यों की बात करें इनका उल्लेख अलग अलग किया गया है मतलब भाग चार में इसका उल्लेख किया गया है किसका नीति निदेशक तत्वों का और भाग चार का में उल्लेख किया गया है किसका मूल कर्तव्यों का तो यह आपको याद रखना है भाग चार में उल्लेख किया गया है नीति निदेशक तत्वों का और भाग चार का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है अगला सवाल देखो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित गणराज्यों और उनकी राजधानियों को सुमेलित कीजिए हिस्ट्री का सवाल है निम्नलिखित गणराज्यों और उनकी राजधानियों को सुमेलित कीजिए बताइए बताओ इस तो निम्नलिखित गणराज्यों और उनकी राजधानियों को सुमेलित कीजिए अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो आपसे अगर पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गांधार गांधार तक्षशिला सूरसेन, सूरसेन 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 हो जाएगा आपका मथुरा अंग तो अंग की राजधानी क्या थी अंग की राजधानी चंपा और कौशल श्रावस्ती कौशल श्रावस्ती क्लियर इसका करेक्ट आंसर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक क्वेश्चन से चार चार सवाल एक क्वेश्चन से चार चार सवाल जब हमारे और भी टीचर्स की जो क्लासेस होती हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स की आप उनकी क्लासेस करोगे उसके बाद में जो आपको रिजल्ट मिलेगा मजा आ जाएगा इसकी पीडीएफ चाहिए तो क्विज मास्टर बाई एग्जामपुर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां से इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी ठीक है हाँ, अगला सवाल भारत का पहला क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला भारत का पहला आपसे पूछा है फटाफट से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आईआरसीटीसी करेक्ट आंसर होगा आईआरसीटीसी करेक्ट आंसर होगा भाई सब लाइक और शेयर करना है सभी को सभी को चलो अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल क्वेश्चन नंबर छब्बीस सबसे घटिया किस्म का लोहा सबसे घटिया किस्म का लोहा लोहे की गुणवत्ता अब लोहे की गुणवत्ता के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है अब हम से, सेडेराइट लोहा किसको बोलते हैं मैग्नेटाइट किसको बोलते हैं हेमेटाइट किसको बोलते हैं या लिमोनाइट किसको बोलते हैं ये भी क्लियर होना चाहिए तो अगर मैग्नेटाइट की बात करेगा तो मैग्नेटाइट में आपको याद रखना है ऐसा लोहा पहले तो मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले सिडेराइट है तो सेडेराइट में ऐसा लोहा जिसमें लोहे की जो परसेंटेज रहती है लोहे की मात्रा चाल, दस परसेंट से अड़तालीस परसेंट तक इसमें रहती है लोहे की मात्रा मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट में बहत्तर परसेंट होती है कितनी बहत्तर परसेंट लोहे की मात्रा होती है अगर हम यहां पे बात करें हेमेटाइट की तो हेमेटाइट में आपको याद रखना है साठ से सत्तर परसेंट साठ से 70 परसेंट इसमें आपको मात्रा देखने को मिलेगी और लिमोनाइट की बात की जाए अगर तो लिमोनाइट में आपको याद रखना है कि 30 से 60 परसेंट 30 से 60 परसेंट लोहा अगर आपको देखने को मिले तो लिमोनाइट अब बताओ कि घटिया किस्म का लोहा कौन सा है जिसमें लोहे की मात्रा कम वही घटिया तो आंसर हो जाएगा ए आंसर क्या हो जाएगा ए मतलब जिसमें लोहे की मात्रा कम वही घटिया लोहा आंसर ए क्लियर अब किसी को कोई समस्या परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए फटाफट से यार लाइक और शेयर करते रहना इस सेशन को लाइक और शेयर करते रहना बराबर लगातार कोई कमी मत छोड़ देना हाँ यहां तक क्लियर अगला सवाल देखो क्वेश्चन हमने हाँ अगला देखो कह रहा है कि गांधीवादी योजना को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया गांधीवादी योजना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गांधीवादी योजना को जो आपके मन श्रीमन नारायण अग्रवाल हैं इनके द्वारा किया, गया था। अब इनके कैसे किया गया था? तो इनके द्वारा 1944 में, 1944 में क्या किया गया था 1944 में इनके द्वारा गांधीवादी गांधीवादी आर्थिक चिंतन का आर्थिक चिंतन विचारधारा का आयोजन किया गया था कब किया गया था 1944 में इन, इन इनके द्वारा गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेशन किया गया था ठीक है यह इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो यह आपको याद रखना है और क्या था गांधीवादी विचारधारा के लिए तो इसका प्रमुख उद्देश्य था तो जो कृषि है आपकी और जो आर्थिक है आ, मतलब आर्थिक और उद्योग जो आपकी कृषि उद्योग है या फिर आर्थिक उद्योग है उन सब में लघु कुटीर उद्योग और कृषि उद्योग उनको बढ़ावा देना इनको बढ़ाना ठीक है आगे चलो इनको इंप्रूव करना आगे देखो ध्यान से क्वेश्चन कह रहा है, नए दूरसंचार सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है नए दूरसंचार सचिव के रूप में टेलीकॉम सेक्रेटरी आपसे पूछे गए किसको नियुक्त किया गया है टेलीकॉम सेक्रेटरी किसको नियुक्त किया गया है टेलीकॉम सेक्रेटरी किसको नियुक्त किया गया है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका ठीक है सी करेक्ट आंसर होगा कृषि क्षेत्र को बढ़ाना हां कृषि क्षेत्र को बढ़ाना और लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ाना ठीक है ये उसका प्रमुख उद्देश्य था अगला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कौन से अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है कौन से अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है वैसे तो अगर हम बात करें राज्य की परिभाषा अनुच्छेद बारह में भी दी गई है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद बारह में भी दी गई थी है और जो अनुच्छेद बारह में राज्य की परिभाषा दी गई है उसी राज्य उसी परिभाषा को अनुच्छेद उसी परिभाषा को अनुच्छेद छत्तीस में वर्णित किया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा ए करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर होगा। है। जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में दी गई है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान से देखो और बताओ इसका आंसर छठी शताब्दी ईसा पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व के सोलह महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है देखिए अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का तो समय काल में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है लगभग लगभग से, लग सेम ही था तो आपसे जब इसका जिक्र बौद्ध धर्म के ग्रंथ में किया जा रहा है किसका सोलह महाजनपदों का मतलब उस टाइम छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे उन जनपद उन जनपदों को मिलाकर महाजनपद बने और टोटल कितने जन महाजनपद है अभी क्लियर है ना सभी को अब तो क्लियर है आई थिंक अब तो सभी को क्लियर है आई थिंक हाँ ठीक है चलो अभी क्लियर है तो अब जो सोलह महाजनपद थे इनमें से चौदह क्या थे चौदह आपके जो महाजनपद थे वो राजतंत्रात्मक थे और दो गणतंत्रात्मक थे चौदह राजतंत्रात्मक थे राजतंत्रात्मक और दो कैसे थे दो गणतंत्रात्मक थे गणतंत्रात्मक ठीक है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है अगला देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन बंगाल के पूर्व बाय के स्पिनर और मिजोरम अंडर 19 के मुख्य कोच का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है जिनका हाल ही में निधन हो गया है बताओ फटाफट से गुड इवनिंग रामबाबू यादव जी इसका करेक्ट आंसर बताओ किसका हाल ही में निधन हुआ है बंगाल के पूछे गए हैं बंगाल के पूर्व बाएं हाथ के बंगाल के पूर्व बाय हाथ के स्पिनर और मिजोरम अंडर 19 के मुख्य कोच का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है मुर्तजा लोदगर का हुआ है ठीक है बी करेक्ट आंसर होगा बी करेक्ट आंसर होगा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर बत्तीस क्वेश्चन नंबर बत्तीस अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है कह रहा है कि भारत में हेमेटाइट लो लोह के भंडार की दृष्टि से सही राज्यों का समूह अब हेमेटाइट की बात की जा रही है और हेमेटाइट के बारे में जस्ट मैंने आपको बताया था हेमेटाइट की गुणवत्ता अगर आपको जांचनी है हेमेटाइट जो है वो कौन सा लोहा होता है एक बार परसेंटेज बताओ उतना तो इसमें लोहे की कितनी मात्रा होती है मैंने जस्ट बताया था हेमेटाइट बताया था और भी मैंने बहुत सारे चार लोहे के वो बताए थे फटाफट से बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका तो भारत में हेमेटाइट भंडार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा उपरयुक्त तो सभी डी करेक्ट आंसर होगा मतलब कर्नाटका गोवा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और ये डी मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा उपरयुक्त तो सभी उपरयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरियुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा इसका ठीक है चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी बताओ फटाफट से प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी आपको याद रखना है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो पंद्रह सौ से उन्नीस तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो आंसर हो जाएगा हेरॉन्ड मॉडल हेरॉन्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी ठीक है इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया का जो है प्रक्रिया आरंभ करना था इसका मुख्य उद्देश्य क्लियर चलो अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर चौतीस फाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसीह पर जीत के साथ आईवीएफ आईवीएसएफ सिक्स रेड स्क्रूनर विश्व कप किसने जीता है जी हां सिक्स रेड स्नूकर वर्ल्ड कप विद विद विक्ट्री ओवर पाकिस्तान बाबर मसीह इन द फाइनल तो पंकज आडवाणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी क्वेश्चन नंबर पैंतीस क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव नीति निदेशक तत्व है गैर नियोजित गैर न्यायोजित न्यायोजित तो ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं नीति निदेशक तत्व कौन से हैं तो नीति निदेशक तत्व की जो प्रकृति है वो गैर नियोजित है नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति कैसी है गैर नियोजित प्रत प्रकृति है ये या आपको याद रखनी है हाँ और यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता ये गैर नियोजित नियोजित है अगर नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो उसको क्या किया क्या नहीं किया जा सकता उसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता ये आपको याद रखना है कि नीति निदेशक तत्व जो है वो गैर नियोजित है देखो सवाल क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अगर हम 50 ना कर पाए तो हम 40 तो करेंगे ही करेंगे चाहे कुछ हो जाए इस क्लास में हमने 40 क्वेश्चन तो अभी करने ही करने हैं फटाफट से बताओ मोबाइल संगीत कक्षा और रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोबाइल म्यूजिक बस नामक एक अनूठी परियोजना किस के राज्य केंद्र शासित में शुरू की गई तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली में शुरू की गई कहां पर की गई दिल्ली में शुरू की गई अगला सवाल अगला सवाल छठी शताब्दी ईसा पूर्व सोलह महाजनपदों में से चौदह राजतंत्रात्मक थे मैंने बताया दो गणतंत्रात्मक थे और इनमें चार महाजनपद शक्तिशाली थे निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद शक्तिशाली थे और सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था हा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था आपसे पूछा जा सकता है सोलह शक्तिशाल सोलह महाजनपदों में से चार गण राजतंत्रात्मक दो गणतंत्रात्मक थे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध कौशल अवस्थी यानी कि इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चारों जो चार जो थे ये चार महाजनपद बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली जनपद की महाजनपद की बात की जाएगी तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था मगध था क्लियर चलो अगला देखो एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है तो एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत क्या है एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत क्या है बताओ इसका आंसर एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत हां तो एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत वॉक्साइड है और इसकी उत्पत्ति किससे होती है तो इसकी उत्पत्ति लेटराइट चट्टानों से होती है लेटराइट चट्टानों से अगला क्वेश्चन नंबर 39 और इसके बाद में एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद में सेशन को एंड सेशन को एंड करेंगे डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू एच ओ के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम जो आपके गैब्रोइस है बिलोंग टू विच नेशन मतलब किस राष्ट्र से संबंधित है किस राष्ट्र से संबंधित है कहां से है इथियोपिया से है इथियोपिया आज के सेशन का अंतिम सवाल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था यह आपसे पूछा गया है जी हां और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी याद रखना द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी 1951 से 19 पचपन तक आपकी कौन सी थी उन्नीस सौ छप्पन तक कौन सी थी उन्नीस सौ इक्यावन से उन्नीस सौ छप्पन तक प्रथम पंचवर्षीय योजना उन्नीस सौ छप्पन से उन्नीस सौ इकसठ तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये आपको याद रखना है अब अगर हम यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की बात करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो समाजवादी समाज की स्थापना करने के साथ उद्योगों के विकास की प्राथमिकता दी गई ये इसकी पहली थी मतलब ये इसकी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य मुख्य उद्देश्य था इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगा फिर आपसे मुलाकात होगी कल शाम पांच बजे टाइम से आ जाइएगा फिर आपसे मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद ऑल ऑफ यू ध्यान रखिएगा